Hello student, we are going to start with chapter chemical reaction and equations. Chemistry ka first chapter. Clear? Chemical reactions kya hoti hain? Chemical reactions aapko board pe dikhai de raha hoga. Chemical reactions are the process. Yani chemical reaction ek prakar ka process hai jisme new substance with new properties are formed. Yani jo substance banta hai वो न्यू सब्सटेंस के साथ और न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है. चलिए, यानी केमिकल रिएक्शन जब भी कभी किसी दो सब्सटेंस में होगी तो जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो उसमें जो प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट होंगी या नई प्रॉपर्टी होंगी. मैंने भी रिएक्टेंट की बात करी. रिएक्टेंट क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शंस में दो मेन चीज़ें होती हैं. क्या? एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. रिएक्टेंट क्या होता है कि किसी भी दो सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल जैसे हमने मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मैग्नीशियम मेटल, और इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो जो बनेगा MgO, दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज अ प्रोडक्ट. अब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ये क्या हो जाता है? रिएक्टेंट. क्लियर? और MgO जो बना वो क्या हो गया? प्रोडक्ट. ओके, ये टू यहां है, हमें इसको बैलेंस करना होता है. ये भी नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम कि ये कैसे मैंने टू यहां पर लगाया है, बैलेंस कैसे किया है, ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. क्लियर? तो पता चला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है. अब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी है ना. फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है उनमें किसी भी जो सब्सटेंस होता है उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज में उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, है ना. तो वही केमिकल रिएक्शंस के दौरान उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. क्लियर? अब मैग्नीशियम रिबन की हमने बात करी भी कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. मैग्नीशियम रिबन जो होता है उस रिबन पर एक उसके प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट. मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. इस लेयर को हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से. कभी भी जब मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से उसकी जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है उसे रिमूव करना होता है, बिकॉज दिस इज ए प्रोटेक्टिव लेयर. क्लियर? उसके बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ आ गई होगी. अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज होने की, तो आपने बहुत सारी रिएक्शंस छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ा हुआ है ना. उसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स पढ़ा हुआ है. इसके अलावा आपने प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है. ये सभी केमिकल प्रॉपर्टी जिनमें चेंज हो रही है उनके एग्जाम्पल्स हैं. क्लियर? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन ऑफ गैस. एवोल्यूशन का मतलब गैस का रिलीज होना, बाहर निकलना. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें कोई ना कोई गैस बाहर निकलती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक, जिंक ग्रैनुल्स की रिएक्शन अगर हम किसी भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा जिंक सल्फेट होगा और साथ में क्या निकलेगी, कोई एक गैस निकलेगी. ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलती है. अगर आपको ध्यान हो, आपने जो पहले क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन गैस
जब निकलती है तो इसका पहचान कैसे होती है, टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब के ऊपर जब हम मैजेस्टिक ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ जलती है, है ना, और इसकी पहचान हो जाती है कि ये हाइड्रोजन गैस है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस का एग्जांपल है ये कि जिंक का, जबकि जिंक नहीं किसी भी मेटल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर। इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि सोडियम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस, इसकी रिएक्शन जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस। अब देखो यहां पर पहली रिएक्शन में आपने देखा कि जो गैस निकली थी वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। सेकेंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि जो गैस निकलती है वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl तो विच गैस इज प्रोड्यूस, तो आपका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। इसी तरह से इसमें पूछा सकता है, और साथ में यहाँ पर क्या निकलता है, वाटर। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैसेस की। अब बात करेंगे हम सेकेंड, सेकेंड कैरेक्टर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हाट इज ए प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है, और ये सॉलिड प्रोडक्ट जो सेपरेट होता है या उसको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रेसिपिटेट कह रहे हैं। आपने देखा हो कई बार हम किसी टेस्ट ट्यूब में कोई भी चीज डिजोल्व करते हैं, अब वो डिजोल्व होने के बाद उसमें नीचे कुछ बचा रह जाता है ना, रिमेनिंग रह जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे किसका, पोटेशियम आयोडाइड KI फॉर्मूला है इसका, पोटेशियम आयोडाइड का। जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट से, लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेश लेड आयोडाइड। क्लियर। और साथ में क्या निकलता है, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर। अब यहां पर जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, इसके, और ये बनते हैं येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर। और ये क्या है, लेड आयोडाइड, Pb इज अ लेड आयोडाइड। क्लियर। इसमें एक और एग्जांपल है, और वो एग्जांपल इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी बहुत आता है, और वो एग्जांपल क्या है, अगर हम बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, क्लियर, अगर हम बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्लियर। और साथ में क्या निकलता है, बचा क्या, देखो HCl तो साथ में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड और बनने वाला बेरियम सल्फेट, और साथ में जो निकलता है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो किसके बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट के, और ये कैसे, कौन से बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के दो एग्जांपल मैं बता चुकी हूं,
है ना। प्रेसिपिटेट वो होते हैं जो सॉलिड रिमेन्स रह जाते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्लियर। थर्ड कैरेक्टर क्या आता है? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें किसी भी दो सब्सटेंस को जब हम मिक्स करते हैं तो उन मिक्सिंग के बाद उनमें उसके कलर में चेंजिंग आ जाती है। अब यहाँ भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं चेंज इन कलर में कि अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में सिट्रिक एसिड लेते हैं, है ना, सिट्रिक एसिड में हम क्या करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को मिक्स करते हैं, इसमें हम डालेंगे, ये समझ लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल कलर का होता है, जो पर्पल कलर का होता है। क्लियर। अगर हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में सिट्रिक एसिड लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल रहे हैं जो पर्पल कलर का है, तो आप देखते हैं इस कलर का पर्पल कलर जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्स होने के बाद जो नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब आएगी उसमें मिक्स होने के बाद कलर लेस हो जाता है। जो मिक्सिंग होगी यानी चेंज इन कलर, कलर चेंज हो गया ना, पर्पल कलर से क्या हो गया, कलर लेस हो गया। तो ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। जैसे हमने देखा चेंज इन कलर, कोई भी चीज को दो को मिक्स करते हैं तो कलर में चेंजिंग आ जाती है, सेम एज इट इज टेम्परेचर में भी चेंज होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बीकर लेते हैं और इस बीकर में ये बीकर है, बीकर में हम लेते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम अगर किसी टेस्ट ट्यूब से वाटर मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और बनने वाला क्या होता है, स्लैक्ड लाइन, स्लैक्ड लाइन, और जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो यहां पर देखो चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ये क्विक लाइम जो था बिल्कुल क्वाइट है, शांत है। अब जब आपने इसमें वाटर मिक्स किया तो इसमें से हीट बाहर निकलने लगी, बहुत तेजी से हीट बाहर निकलती है, इसमें हाथ लगाना का मतलब हो गया कि हाथ जल जाएगा, इतनी तेज हीट निकलती है। क्लियर। तो और क्विक लाइम से किस में कन्वर्ट होता है, स्लैक लाइम में, चूंकि इसमें से हीट बाहर निकल रही है तो ऐसी रिएक्शन को जहां पर हीट बाहर निकलती है उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, समझ आया। तो जो टेम्परेचर मतलब आई मीन हीट को रिलीज करता है, बाहर निकालता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन या चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर। ओके, लास्ट एंड फिफ्थ कैरेक्टर क्या है इसका, चेंज इन स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें बनने वाले प्रोडक्ट में स्टेट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं कि एक कैंडल ली हमने, क्लियर, जब हम इस कैंडल को बर्न करते हैं, जब आप इसे बर्न करते हैं तो क्या होता है, इसमें से क्या निकलता है, ये क्या है, ये इसका वैक्स है ना,
जो लिक्विड फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म में बाहर आता है, क्लियर। और ये लिक्विड जो है ये इसकी स्टेट को चेंज करता है, यानी वैक्स से लिक्विड का बनना एक तरह से, और साथ में जो इसमें से बाहर निकलती है गैस बाहर निकलती है, वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। तो देखो इसमें से हम स्टेट को चेंज करें तो एक तो यहां पर क्या बना, वैक्स का बर्न होना, बर्न होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, और साथ में CO2 का बाहर निकलना, तो इसकी स्टेट चेंज हो गई। इस तरह से पांच कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होती हैं, लेती हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ एक एक ही स्टेट या एक एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती है केमिकल रिएक्शन में, तो नहीं, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में मोर देन कैरेक्टर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जिंक की रिएक्शन कराई थी सल्फ्यूरिक एसिड से, और हमने देखा था कि यहाँ पर क्या बनता है, जेड एन एस ओ फोर, साथ में क्या निकलता था, हाइड्रोजन, क्लियर। जब हम जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हमने जो हमने इसका एग्जाम्पल लिया था एवोल्यूशन ऑफ गैस में लिया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्लियर। और उसके साथ ही यहाँ पर इसका टेम्परेचर बहुत राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी, चेंज इन टेम्परेचर भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, तो ये मोर देन टू कैरेक्टर्स को यूज करता है। मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गई प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन। शुरू में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको Mg plus O2 का रिएक्शन करके बताया था, प्रोडक्ट बना था MgO, कि हम इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, और बैलेंस करने का तरीका क्या है वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको पता है कि रिएक्टेंट इस तरफ होता है और प्रोडक्ट इस तरफ होता है, क्लियर। तो जितने रिएक्टेंट्स हैं, यानी जितने भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी, क्लियर। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जेड एन प्लस एच टू एस ओ फोर, दिस इज ए रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन कराई तो बनने वाला क्या था, जेड एन एस ओ फोर प्लस H2, this is a balanced equation. अगर हम unbalanced equation की बात करेंगे तो it has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactant and product. यानी कि अगर product बनता है और उसमें number of atoms ज्यादा हैं तो reactant में कम है, या reactant में ज्यादा है product में कम है, तो अगर वो unequal है तो unbalanced equation कहलाती है, क्लियर। इसका भी हम छोटा सा example देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे H2 plus O2 की अगर हमने रिएक्शन कराई तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, H2O। ये एग्जाम्पल किसका है, इसका, और ये इसका एग्जाम्पल, क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि Zn Zn सिंगल है, H2 दो, H2 दो, SO4 SO4 बैलेंस। यहां देखो H2 दो, H2 दो, O2 दो, लेकिन O क्या है, सिंगल, तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन हुई। तो हम इसे बैलेंस, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है उसे हम बैलेंस कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, वो अब हम इसमें देखते हैं। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। अभी हमने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखी थी, देखो H2 plus O2 और क्या बना था, H2O, क्लियर। अब इस एरो के बीच में एक लाइन आप खींच दीजिए, ये आपके यहाँ पर रिएक्टेंट है और यहाँ आपका ये प्रोडक्ट है। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ हमारे क्लियर इक्वल होने चाहिए। H कितना है यहाँ पर, टू, O कितना है, टू, H कितना है, टू, O कितना है, वन। कभी भी इक्वेशंस को बैलेंस करते वक्त जब भी कभी हम नंबरिंग करेंगे तो वो नंबरिंग कहाँ होनी चाहिए, इसके सामने होनी चाहिए। अगर यहाँ करनी है तो यहाँ भी यहाँ होगी,
यहाँ होगी, यहाँ होगी, बट नीचे नहीं होगी। अगर आप कहें कि इसको अब बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो हम कर दें एच टू प्लस ओ टू और एच टू ओ टू, ये रॉन्ग है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर्मूला ही चेंज हो गया। वाटर का फॉर्मूला ये होता है, अब ये क्या है, क्लियर? तो इसलिए कभी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें कहाँ लगाना पड़ता है, यहां लगाना पड़ता है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए एच टू प्लस ओ टू इक्वल एच टू था ही हमारा, अब ओ ये है, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा यहां लगाएंगे, तो दो ओ है, मैं यहां टू लगा देती हूँ, क्लियर? अब आप देखो, अब इसको देखो दोबारा, देखिए क्या ये बैलेंस हो गई, एच यहां पर कितने हैं टू, ओ कितने हैं टू, और ये कितने हैं एच, यहां देखिए कितने हो गए टू एच। जब भी कभी सामने लगेगा वो दोनों के लिए होता है, तो टू एच ये है और दो पहले से थे इसके पास, और टू टू जा फोर, तो एच कितने हो गए फोर, ओ कितना हो गया टू। तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ओ टू, लेकिन हाइड्रोजन फिर अनबैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर टू लगा दीजिए, अब देखिए टू टू जा फोर, ये हो गया फोर, बैलेंस हो गई ना रिएक्शन। अब देखिए दो चार यहां पर हाइड्रोजन, फोर यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन टू, दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। एक तो एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसके बैलेंस करने के, एक रिएक्शन करते हैं हम मिथेन सी एच फोर, मिथेन है, पढ़ा है आपने नाइन्थ क्लास में, इसकी रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनेगा CO2 प्लस एच टू, क्लियर? अब यहां देखो फिर अगेन मैं सिखाया था कि एक लाइन खींच दीजिए आप और इक्वल करिए, कार्बन कितना है यहां पर वन, एच कितना है फोर, ओ कितना है टू, ठीक है? वहां देखिए सी वन ओ टू एच टू, देखिए ओ एक यहां पर भी है, तो दो और एक कितने हो गए तीन, तो यहां ऑक्सीजन थ्री है, क्लियर? आपको काउंटिंग में प्रोडक्ट पूरे ही काउंट एक तरह से करने पड़ेंगे, दो ऑक्सीजन यहां पर है, एक ऑक्सीजन ये है, तो दो और एक तीन कहलाएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ ऑक्सीजन कितनी होगी थ्री। अब बैलेंस देखिए है कि नहीं, हाइड्रोजन फोर या हाइड्रोजन टू, या ऑक्सीजन टू या ऑक्सीजन थ्री, यहाँ कार्बन वन या कार्बन वन, तो बैलेंस क्या है सिर्फ ओनली कार्बन, बाकी सब अनबैलेंस है। अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए यहां पर टू है ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन कितनी करनी पड़ेगी तीन करनी पड़ेगी, इस तरफ ऑक्सीजन तीन करने के लिए मुझे यहां पर अगर वन का कोई वैल्यू नहीं तो टू लगाना पड़ेगा, टू का लगाऊंगी तो फोर हो जाएगा, क्लियर? अब वहां फिर मुझे ऑक्सीजन फोर करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूं, हाइड्रोजन कितनी है फोर है, तो उसको फोर कर देते हैं, तो ये टू हो जाएगा। अब यहां टू लगते ही हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए अगर हमने सी एच फोर प्लस ओ टू और ये बना दिया सी ओ टू प्लस टू एच टू, तो कितनी हो जाएगी, सी हमारा वन है, एच हमारा फोर है, ओ हमारा टू है, इस तरफ। अब सी हमारा वन है, ऑक्सीजन कितनी होगी, देखिए मैंने कहा था कि प्रोडक्ट में सब ऑक्सीजन टोटल होती हैं, ऑक्सीजन ये टू हो गई और ये टू पहले से, तो टू टू फोर, तो ऑक्सीजन तो फोर हो गई, और हाइड्रोजन कितना हो गया टू टू या फोर, हाइड्रोजन हो गया फोर, तो हमारी दो चीजें बैलेंस हो गई, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा फिर रह गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम एक क्या कर सकते हैं, अब देखिए सी एच फोर प्लस यहां टू लगा दीजिए, है ना, और क्या सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ, अब आप देखिए टू टू या फोर, और यहां पर ऑक्सीजन कितनी थी फोर, तो यहां फोर हो जाएगा, अब बैलेंस हो गया। ये जो रिएक्शन है आपकी, ये बैलेंस रिएक्शन है, समझ आया थोड़ा बहुत, क्लियर हो गया होगा कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इक्वल करना होता है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब बैलेंस रिएक्शन
मानी जाती है। क्लियर? एक और एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम आयरन की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो बनता है आयरन ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब यहां आप इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे? अगेन हम वही करेंगे, एक हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अलग अलग एटम्स को फॉर्म करेंगे। Fe कितना है? 1। H कितना है? 2। फेरिक के 1 है ना, हाइड्रोजन कितना है? 1 है। O कितना है? ये भी 1 है। उस तरफ देखिए प्रोडक्ट कितना है? Fe कितना है? 3। O 4 और हाइड्रोजन कितना है? 2। आप लोग सॉल्व करके देखें कॉपी में कि कैसे हम इसको बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन को। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किसको बैलेंस करें। पहले देखिए ऑक्सीजन कितना है? 4 और यहां ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, 2 इधर है और 2 ही उस तरफ है। अब 3 फेरिक इधर है, 1 फेरिक इधर है और 3 फेरिक इधर है। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो फेरिक को कर दीजिए, 3 Fe हो जाएगा, दोनों तरफ बैलेंस हो गया, यानी 3 Fe प्लस H2O और बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पर देखो Fe कितना हो गया? 3 हो गया। H कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 1 है। Fe 3 है, O कितना है? 4 है और H कितना है? 2 है। तो दो चीजें आपकी यहाँ पर बैलेंस हो जाती हैं, एक तो Fe हो गया और एक हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अब भी रह गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? तो हमें कितनी चाहिए हाइड्रोजन? देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है ना, तो मुझे यहाँ एक ही जगह पर ऑक्सीजन है तो मुझे यहाँ पर सीधे सीधे क्या लगाना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 4 लगाते ही हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज हो गई, हाइड्रोजन की वैल्यू चेंज होती अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ बैलेंसिंग में अब आप देखो कितना हुआ, अगर इसका हम हिसाब लगाएं तो Fe हमारा 3 है ये तो, और 4 2 8 यानी हाइड्रोजन सीधे सीधे कितना हो जाता है? 8। और ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। अब इधर देखो Fe कितना है? 3। O कितना है? 4। तो ये O तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन रह गया, हाइड्रोजन 2 ही है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 4 लगा दीजिए आप इस जगह पे, यानी जो हमारी बैलेंस रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? मैं इसे रब कर रही हूँ। अब जो हमारी बैलेंस रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी? 3Fe प्लस H2O में हमने 4 लगाया था और एरो Fe3O4 प्लस 4H2, क्योंकि हाइड्रोजन 8 हो गया था ना, तो 4 2 8। क्लियर? यहाँ भी 4 2 8 है ऑक्सीजन। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन सही है क्या? Fe कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 8। 4 2 8 ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर देखिए Fe कितना है? 3। ऑक्सीजन कितनी है? 4 और हाइड्रोजन कितनी है? 8। बैलेंस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी जो इक्वेशंस बनती हैं या होती हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है। द इक्वेशंस विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशंस अबाउट द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मोर इन्फॉर्मेटिव या इन्फॉर्मेशंस गिविंग इक्वेशंस। अब वो क्या इक्वेशंस के रूप में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, जैसे कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो हीट चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, निकालते हैं या उनमें हीट की जरूरत पड़ती है ना। और तीसरा है उसके कंडीशंस। इसके लिए हुआ तो फर्स्ट हमारा क्या है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, हीट चेंज यानी कि हीट जरूरत पड़ती है या रिलीज की जाती है, कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस यानी किस कंडीशंस में रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। अब हम इन तीनों का एक एक करके एग्जांपल को देख लेते हैं।
तो पहला हम फिजिकल स्टेट का एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी कि जिंक की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बनने वाला ये फिजिकल का एग्जांपल है, फिजिकल स्टेट का। जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो होता है जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा, अब हम इसकी स्थिति जानते हैं, स्टेट जानते हैं कि जिंक क्या है। जिंक इज अ मेटल, और मेटल जो होते हैं वो सॉलिड कंडीशंस में रहते हैं। तो ये सॉलिड हुआ, तो हम इसे क्या करते हैं, ब्रैकेट यहाँ पर साइड में एस लिख देते हैं, एस फॉर सॉलिड स्टेट। इसी प्रकार से हम दूसरी चीज देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक सल्फेट जब डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो ये डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है। जो भी लिक्विड फॉर्म में होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन के रूप में मानते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, AQ, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। और जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करी, और सल्फ्यूरिक एसिड डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, एक्वस था, तो नेचुरल की जिंक सल्फेट जो बनेगा वो भी क्या होगा, एक्वस होगा। तो वो भी हम इस तरह से इसके साथ लिख देते हैं, AQ। और उसके बाद जो बनता है वो एक गैस है, और गैस को हम रिटर्न कैसे करते हैं, जी से। तो नेचुरल के हम लिखने का तरीका क्या होता है, इसका जिंक सॉलिड फॉर्म, फिर आएगा H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन। बनने वाला क्या है, Z1SO4। इस तरह से हम इसकी फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हीट चेंज। सेकंड हमारा क्या है, हीट चेंज। हीट चेंज के एग्जांपल को भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हीट चेंज। सेकंड, दो चीजें होती हैं हीट चेंजिंग में, एक होती है टू टाइप से हीट चेंजिंग को हम देख सकते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था, एक्सोथर्मिक, और एक होता है एंडोथर्मिक। क्लियर। एक्सो और एंडो, नाम से वैसे पता चल रहा होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्या डिफरेंस है या क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं, एक्सो मतलब आउट और थर्मिक मतलब टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर को क्या करें, रिलीज करें, दैट इज एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, एंडो, एंडो मतलब इन, अंदर, यानी जिसमें जिस रिएक्शंस में टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। अब एक एक को एग्जांपल के थ्रू हम शो कर सकते हैं, है ना। जैसे बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन से कराते हैं, दिस इज ए बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है ना, और ऑक्सीजन गैस है, तो गैसेस फॉर्म में होता है। ये इसकी फिजिकल स्टेट हो गई, और बनने वाला जो होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको ये भी पता है कि जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो सब टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर, तो साथ में क्या लिखते हैं, हीट। अब हीट बाहर निकल रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हुआ। तो ये इंडिकेट करता है कि जब प्लस करके जब हीट बाहर निकाल रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रिएक्शन में हीट या टेम्परेचर रिलीज होता है। क्लियर। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शंस जो आप छोटी क्लासेस से रेगुलर पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं, क्योंकि हम इसे C6H12O6, दिस इज ए ग्लूकोज और इस ये एज अ कार्बोहाइड्रेट हम इसे खाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है,
और ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज से, और क्या निकलता है रिएक्शन करने के बाद जो निकलता है वो क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में निकलती है वाटर। क्लियर? और आपको ये पता हो कि उसके साथ ही क्या रिलीज होती है एनर्जी, एनर्जी इज अ हीट। तो ये भी एक प्रकार की क्या हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सेकेंड आता है एंडोथर्मिक। अभी मैंने बताया कि जिसमें टेम्परेचर या हीट की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, या हम कह सकते हैं हीट इज एब्जॉर्ब्ड। समझ आया? इसमें क्या करता है हीट एब्जॉर्ब्ड। अब देखो एक इसका अगेन एक एग्जांपल, ये एग्जांपल एंडोथर्मिक का है। इसी एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं इस एरो को इस तरफ से इस तरफ ले आइए आप। अभी एक्सोथर्मिक में जो हमने पढ़ा था वो रेस्पिरेशन के थ्रू हुआ था, है ना? अब ये जो रिएक्शन है ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहां पर किसकी जो हीट एब्जॉर्ब हुआ ना, हीट एब्जॉर्ब होकर क्या बनता है सिक्स CO2 और ग्लूकोज बनता है। तो दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक जिसमें हीट क्या होती है ली जाती है, सॉरी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक क्या है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें भी आपको हीट की जरूरत पड़ती है यानी हीट एब्जॉर्ब की जाती है, और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो बनता है वो क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस साथ में निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किसकी रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब तीसरी जो चीज आती है वो क्या था हमारा कंडीशन, तीसरा क्या है हमारा कंडीशन। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था कंडीशंस। कंडीशन का क्या मतलब है कि कोई भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है ना, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट और सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द रिएक्शन। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, ये मैंने डेल्टा बनाया है, डेल्टा इज अ डेल्टा साइन होता है हीट का। अगर हमें शो करना है कि हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हम डेल्टा बना देते हैं, और ये कैटलिस्ट है तो ये शो कर रहा है कि हीट के प्रेजेंस में और मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और डिकम्पोज होकर क्या बना रही है पोटेशियम क्लोराइड, एंड साथ में क्या निकल रहा है ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कंडीशन को अंडर किस की प्रेजेंस में रिएक्शंस कंप्लीट हो रहे हैं। सेम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस तो इसलिए हम क्या करते हैं जी यहाँ पर इसकी फिजिकल स्टेट है, और साथ में ये रिएक्शन करती है हाइड्रोजन से तो 2H2। क्लियर? अब अगेन हमें कंडीशन शो करनी है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो ये होती है 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। क्लियर? और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है? और कैटलिस्ट क्या लिया हमने, तो कैटलिस्ट लिया हमने जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। क्लियर? और क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है CH3OH यानी मिथेनॉल बनाता है। दिस इज ए मिथेनॉल। ठीक है? मिथेनॉल। मेरे ख्याल से ये केमिकल रिएक्शन का ये पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा।